फाइनली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे नाथ द्वारा जाने का पार्ट वन। पार्ट टू आएगा कल। अगर आपको प्रॉपर नाथ द्वारा का दर्शन करना है तो वो आएगा कल, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज अपन जा रहे हैं चार भुजा मंदिर, जो है विष्णु भगवान जी का। मैं अपने जीवन में शायद कभी विष्णु भगवान के मंदिर गया नहीं था, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस विष्णु भगवान जी के मंदिर का। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हुए मुझे अब अचानक से याद आया कि ये जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था, मुझे पहले लगा था कि रास्ते में शायद इतने पर्वत या पहाड़ नहीं दिखेंगे। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना कि मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं। तो मैं इसी एक पहाड़ पे फोकस करने लग जाता हूँ बैकग्राउंड के लिए, सिनेमैटिक शॉट बनाने के भी ट्राई करे बट। तो अब आपको मेरी एक बात जरूर याद रहने वाली है, अब आप इन पहाड़ों को ध्यान से देख लीजिए, इन पहाड़ों या पर्वत आप इनको जो चाहे कह लीजिए, यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं मंदिर, एक्चुअली मंदिर बना रखे। और मुझे नहीं पता लोग कैसे इनके ऊपर चढ़कर दर्शन करने जाते होंगे, पर ये दिखने में दूर से नेकेड आई से बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा मोबाइल इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि ये कितना प्यारा सीन। लगभग नाथ द्वारा के रास्ते में मैंने जितने पहाड़ देखे उन हर पहाड़ पर एक से लेकर दो मंदिर थे, और जो दिखने में बहुत बहुत सुंदर थे। और मेरा बहम भी टूट गया कि पहाड़ कम होंगे, बहुत पहाड़ थे यार, बहुत पहाड़ थे रास्ते में। और यहाँ पे अभी पुल का काम चल रहा था तो कुछ पहाड़ों को तोड़ा गया था कि रास्ते को लंबा किया जा सके। वो जब सीन मैं आपको दिखाऊंगा, अनबिलीवेबल सीन है वो। और वो सीन ये, अब ये आप जो देख रहे हो ये पहाड़ को इतना आप देख सकते हो, इतना तोड़ा, काटा, तोड़ा, ब्लास्ट, पता नहीं कैसे किया गया। और ये है पहाड़ के ऊपर बने छोटे छोटे घर। भाई कारीगरी हाथ का एक कमाल होता है जो लोग दिखा देते हैं। ये अपन एंटर हो चुके हैं यहाँ के पहले एक गांव या शहर जो भी है ये, उसके अंदर इतने पहाड़ों को देखने के बाद। बट वापस पहाड़ आ गए, कितने पहाड़ और देखने पड़ेंगे, ये रास्ता बहुत लंबा है। मैं इस व्लॉग को जितना उसके शॉर्ट और आपको अच्छी तरह एकदम गाइड करते हुए चलूंगा। और अब आप देखने वाले हैं पहाड़ कटने के बाद कितना रास्ता और गैप आ जाता है। अब जैसे ये गैप देख रहे हैं, और अब ये गैप को इतना कर दिया गया है, इतना पहाड़ को काट दिया गया है। वाओ, मतलब इंजीनियरिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है इस चीज की। ये देखिए खतरे का साइन, प्लीज गाड़ी ध्यान से चलाएं। सो वॉइस डब करने का जो रीजन होता है वो होता है कार के अंदर बजते हुए गाने। अब गाना बज रहा था आदत, तो अब तो आदत सी है मुझको ये गाते समय। फिर मैं व्लॉग बनाऊं गाऊं तो इस चक्कर में मैं व्लॉग से वीडियो शूट करता हूँ, गा रहा होता हूँ, गाने को एंजॉय कर रहा था। समटाइम्स वीडियो बनाने से ज्यादा उस सफर को एंजॉय करना भी जरूरी है। तो अब अपन आ चुके हैं मेन गेट से अंदर। अब अंदर आने के बाद अब मंदिर जाने के लिए अपने को पहले पार्क करनी पड़ेगी कार, और कार से उतरते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। वीडियो बनाते और बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा शायद फर्स्ट विष्णु जी का मंदिर है जहाँ पे मैं विजिट करने वाला हूँ। विजिट करने इसको कहते हैं चार भुजा बावड़ी। ये देख सकते हो अंदर पानी है उसमें भरा हुआ। सो ये अंदर से तो ऐसा है, कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है। तो ये इसकी हिस्ट्री तो मम्मी से कुछ बताता हूँ। बावड़ी की कहानी है जो मम्मी ने अभी मेरे को बताई है, ये चार भुजा बावड़ी कहते हैं इसको, चार भुजा, थोड़ा गलत हो सकता हूँ, मैं करेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और ये जो पानी है इस पानी से नहाने से रोग नहीं होता, ये मान्यता है। मुझे नहीं पता, मम्मी ने जो बताया वही बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं करेक्ट कर दूंगा। ऐसी जगह होती जरूर है, मैंने खाटू श्याम जी की भी सेम ऐसी चीज सुनी, तो हाँ ये होती जरूर है। चलो भाई जो भी। तो मंदिर की साइड में दीवार के ऊपर पूरी कृष्ण भगवान की लीला बन रखी है, जो आपको अब देखने को मिल रही है, पूरी कृष्ण लीला है। इसके अंदर कैमरा हर बार की तरह जस्टिफाई ना कर पा रहा हूं, तो आई एम सो सॉरी।
ये अपना रूप नॉर्मल सा इंसानी रूप मंदिर का बाहर की तरफ से। ये आप जितना भी देख सक रहे हो ये सारा मार्बल वर्क कर रखा है, उसको छोड़ के ये मार्बल वर्क है, नीचे भी मार्बल लगा रखा है। ये देखो आप स्तंभ, ये देख सकते हो ये सारा मार्बल वर्क है, प्यारा मंदिर है। आई थिंक बालाजी हनुमान जी को होना चाहिए, बहुत प्यारा मंदिर है। बाजू शायद मैं बताना भूल गया, ये प्योर सिल्वर गेट है, प्योर सिल्वर गेट। और ये लाइट आप जो ब्लिंकिंग देख रहे हो ये सारा प्योर स्केल है। एक नई चीज़ पता लगी, यहाँ का ऊपर जाने का भी रास्ता जो मैंने देखा ही नहीं, इट्स वियर्ड। ओके, ये बहुत बहुत प्यारी जगह, कैमरा तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। ये जो मूर्ति वर्क्स अभी होते हैं ना, प्रभु जय प्रभु। तो ये देख सकते हैं आप माखन, मतलब लीला प्रभु की, कृष्ण भगवान की होती हुई। पाथ थोड़ा साफ तो नहीं है, आई थिंक साइड से तो पैक है, बट कोई नहीं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं इस जगह, इतनी प्यारी जगह है। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी का असली पाठ पढ़ाया था हनुमान जी को, और सुना था अर्जुन जी ने। कहा जाता है मतलब लाइफ का सबसे बड़ा लेसन में से एक है, या लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ही मान लेते हैं अपन। कहते हैं अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपने चारों धाम कर लिए। वाह, बहुत बड़ी बात है यार, मतलब एक एक्सपीरियंस ही कह लो, एक वाइब कह लो, और शांति टेम्पल वाइब्स इज गुड यार। सब जो भी आप अपना कुछ करते हो ये किस लिए करते हो, एक पीसफुल लाइफ, एक पीस। व्हाट्स मीन द पीस, कब किसी वीडियो में बात करेंगे। और अपने पास और वहाँ से निकलते हैं नाथद्वारा के लिए निकलते हैं। लेट्स गो टू जमकट। देखा जाए तो भगवान एक बात कहते हैं, समय का चक्र, यानी समय चलता रहेगा, बीतेगा एक चक्र बनेगा, ख़त्म शुरुआत। थोड़ी डीप बातें हो रही हैं, पर फैमिली के साथ वापस यहाँ पे आए हूँ मैं, वापस मम्मी और के साथ ऊपर आ गया एक बार। मम्मी ने कहा उनको भी दिखाया यार, तो मैं कहा जाऊँ मम्मी, कितनी प्यारी जगह है यार, कितनी प्यारी जगह। आई थिंक ये वर्ड मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, पता नहीं क्यों, पर यार है वाइब है, बस वाइब, यानी एक शांति, एक एनर्जी का, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये यार, ये पंखा बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा बड़ा सारा। मेरे ख्याल से अभी हटने ही वाला है कुछ दिनों के अंदर अंदर, आप आएंगे अगर यहाँ दर्शन करने आएंगे तो सार पूजा तो शायद आपको मिलेगा। अगर माँ बैठ के जल सेवा कर रही है, कितनी बढ़िया अच्छी बात है। कैमरे में क्लियर दिख रहा है, तो उसका नाम है रानी फल। हाँ, इसको रानी फल कहते हैं, पता नहीं ये एक्यूरेट नाम जो उन्होंने बताया। खाते खाते चुंगम से लगने लग जाती है। और एक स्नैक ले लिया, नो ब्रांड प्रमोशंस, स्नैक ले लिया, कार में बैठ के खाएंगे और थोड़ा और ब्लॉग बनाएंगे, और बस अब पहुँचने वाले हैं नाथद्वारा। कैरी का पानी पी के अब निकलते हैं नाथद्वारा के लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।